लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मगध महिला कॉलेज में बने महिला छात्रावास का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दहेज प्रथा को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिसके शादी के कार्ड पर दहेज नहीं लेने की बात कही गई हो, उसी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर उनके पार्टी के लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान ये भी कहे कि अगर लड़का लड़का शादी करेगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात कहकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज में बड़ा योगदान होता है और दहेज प्रथा जैसी कुकृतियों को मिटा देना चाहिए। पहले सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। एक तो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी तेजी से ताकि हो। अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं। अरे शादी होगी तभी ना बाल बच्चा होगा। हम ही लोग या कोई है यहाँ पर तो माँ है तभी ना पैदा हुए। माँ के बिना पैदा हुए, बिना स्त्री के बिना पैदा हुए। लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा। तो आप बताइए, शादी करते हैं तो आपको बाल बच्चा होता है और उसे शादी करने के लिए आप दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कोई दूसरा चीज अन्याय नहीं। और ये पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं और हम लोगों ने तो कह दिया कि अगर कोई शादी करेगा, लिखेगा कि भाई दहेज नहीं लिया है तभी उसके यहाँ शादी में जाएंगे, अगर नहीं रहेगा, अगर दहेज लेगा तो उसके शादी में। सब लोगों को कहा है और चारों तरफ हमने महिलाओं को, और किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह में कितना कम, और जो कुछ भी हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया, अब कितना बढ़िया जो जीविका समूह हम लोगों ने बनाना का नामकरण किया, अब इतना अच्छा हुआ कि उस समय की जो केंद्र सरकार के लोग आए देख के कहे बड़ा अच्छा है, ये तो जीविका समूह यहाँ, और नाम दे दिया देश भर में आजीविका समूह। आजीविका का मतलब कि बिहार की जीविका ही देश भर में आ जाए, वही ना आजीविका है। तो एक एक चीज जो यहां हुआ, सब लोगों को हम यह अभियान उन्हीं लोगों के करने के चलते शराबबंदी की बात शुरू हुई, जो उन लोगों ने मांग किया 95 में और 96 से हम लोगों ने लागू किया। तो एक एक चीज के लिए किया, इसलिए तो महिलाओं के लिए पढ़ना और उनको जागृत रहना, और यहाँ पर आप लोग भी इन सब विषयों की भी चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लड़की है उसको हम कहेंगे कि इस बात को लेकर के कहीं भी दहेज प्रथा नहीं हो, ये बात देखिए, और न बाल विवाह, कम उम्र में किसी की शादी, ये सब बहुत गलत चीज है। और कम उम्र में शादी होने के बाद तरह तरह की बीमारियां फैलती है। तो ये सब चीजों को निश्चित रूप से पढ़िए, खूब खूब आगे बढ़िए, लेकिन जरूर लोगों के बीच में जब कभी भी जाइए तो लोगों के बीच में इन सब चीजों की भी चर्चा करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ भी स्थिति सुधर रही। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने बड़ी आवाज उठाई और पटना कि मगध महिला कॉलेज में 504 बेड की G+7 की तर्ज पर बने महिला छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस दौरान उन्होंने दहेज प्रथा को बहुत खराब चीज कहा। उन्होंने कहा कि महिला से परिवार बढ़ता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा क्या। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस कॉलेज से मेरा काफी पुराना संबंध है, इसी कॉलेज से मेरी पत्नी और बहन ने पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान छात्राओं को आगाह किया कि वह दहेज प्रथा और बाल विवाह कानून से दूर रहे, छात्राओं को जागरूक रहने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो जब तक गद्दी पर है तब तक बिहार की लड़कियों के आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से साइंस ब्लॉक में
जिसमें ज्ञान की पढ़ाई और सभी आधुनिक उपकरण मौजूद हो उसमें ऑटोमेटिक डिमांड की गई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान दिया जाए, इस दिशा को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मगध महिला कॉलेज पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही और उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात कही। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को हटाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़का शादी करेगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं को जागरूक करने की बात करते रहते हैं और एक बार फिर से वो मगध महिला कॉलेज में जब संबोधन कर रहे थे उस दौरान महिलाओं के हित की बात उन्होंने कही। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।